क्वेश्चन नंबर 22, पहले तो बनाना है इसको आलेख, जिससे करना हल करना, पहले हल करो। ये तो है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से ये दे रखा है 2x - y = 1। अब देखो ये इसके भारी है, उसको उधर भेज दो ताकि आपके आराम से ग्राफ बन सके। ये भारी है इसको उधर भेज दो, तो माइनस का वाई बराबर क्या आएगा 1, और डिफरेंस हो जाएगा आपके माइनस। हमेशा आगे प्लस का होना चाहिए, क्या करेंगे हम चिन्ह बदलेंगे। अगर मैंने इसका चिन्ह बदला तो सबका चिन्ह बदलेगा, ये माइनस क्या हो गया आपके प्लस। तो याद यही होगा, जो माइनस का है ना वो तो जाएगा प्लस का, जो प्लस का है वो हो जाएगा आपके माइनस। आप कौन सा आगे पीछे लिख सकते हो, अब वाई का वाई, दो का दो, एक्स का मान -1, वाई बराबर 2 का 2 - 1। अब यहाँ बनानी है आपको टेबल, एक्स है और ये वाई है, मलिया लिख दो। एक्स का मान हमने क्या माना है 0 और 1। आप तो आगे लिख सकते हो ऐसे, माना हमने एक्स का मान क्या माना 0, एक्स का मान मैंने क्या माना 1, ऐसा लिख सकते हो। चौथा मैंने क्या माना, चाहो तो लिखो तो जाएंगे, नहीं लिखो तो जाएंगे। मैंने एक्स का मान क्या माना 0 और 1 गया, तो वाई का मान कितना आया 2 में से 1 गया, कितना आया 1, और 2 में से 0, हाँ 0 है ना, क्या आया बताओ माइनस ही आया। अब 2 में से 1 कितना आया आपके प्लस का 1, क्या आया माइनस का 1 और प्लस का 1। यहाँ 0 में से माइनस 1 घटाएंगे तो -1 रहेगा, 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा। अच्छे से बनाओ उसका, बस सब 0 1 0 ये रहा, और 1 कहाँ पर है आपके -1 का, ये यहाँ पर रहा। फिर है 1 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, इससे बनाओ ग्राफ की जो लाइन ये बन जाएगी। अब है आपका समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर कौन सा लेंगे 2, x + 2y = 8, उसको उधर भेज दो। एक्स बराबर क्या है 8 - 2, ये प्लस का ये, तो आप उसको बदलने की जरूरत नहीं। इस बार एक्स बराबर 8 - 2 कोष्टक, एक्स बराबर 8 - 2 कोष्टक। अब यहाँ आपकी तरफ से मध्य है, जो मान ले तो ऐसा क्या माना, एक्स का मान क्या मान लिया 1, एक्स का मान क्या मान लिया 2, एक्स का मान तो 3 मान लो 4 मान लो, एक्स का मान 3 नहीं मान सकते, मर्जी है जो मानना। एक्स नेक्स्ट नहीं है, यहाँ इसका क्या है वाई है, जो इधर उसका जो मान लिया वाई की जगह आपको एक मान मानना, कौन सा मान हमने 1, 2 और 3। अब बनाओ सारणी, एक्स और ये वाई, हमने यहाँ क्या लिखा ज़्यादा वाई, तो आपने क्या लिखा 1, 2, 3, फिर क्या आया 8 - 2 6, 8 - 2 = 4, 4 8 - 3 = 6, गुणा करना है दोनों को, उसमें घटाना है, कितना आया आपके 2, ये आ गया 6, 4 और 2। यहाँ मान लीजिए यहाँ से आप कैसे कदा फटा बार बार। अब 6 एक्स का मान 6 और वाई का मान 1, अगला है 4 2, एक्स का मान 4 वाई का मान 2, ये हो गया। फिर है इसका मान, एक्स का मान 2, वाई का मान कितना दे रखा है 3, ये आ गया। ऐसे आपको आगे सारे मिलाते रहना, यहाँ जो उत्तर मिला तो देखो ये उत्तर दोनों तरफ मिल रहा है। तो एक्स का मान कितना है 2, ये इधर देखना है 2, मतलब वाई का मान कितना है 3, ये तो क्या उत्तर। अब देखो ध्यान, इसने और पूछा है संगत रेखाएं वाई को, ये जस्ट ये तय है संगत रेखाएं और वाई को, मतलब ये रहा वाई, इसको जहाँ काट रहे हो पॉइंट लिखने, इसने वाई को काट रहे हैं जहाँ पर, देखो वाई को तो यहाँ पर काट रहे हैं और एक वाई को यहाँ पर काट रहे हैं, तो इसका नाम क्या, इसका नाम तो लिखेगा अभी ये रहा 0 और -1, इसका मतलब क्या होता है आपको 0 और कितना 4। जब भी इस पर पॉइंट निकालना होना तो एक्स का मान 0 मानना है, तो वाई का मान -1 हो तो -1, 4 हो तो 4,
ये वाले पॉइंट कौन से पूछा है तो बता देते।